हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर की प्रमुख न्यूज है कि अतिथि शिक्षकों के कारण बिगड़ा रिजल्ट, 3 स्कूलों का ही 100% रहा, बाकी पिछड़े। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सर्वे है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जिले के 85 स्कूलों में 10वीं में 24 और 12वीं में 7 स्कूलों का रिजल्ट 33% से कम रहा है। पूरी अपडेट हम देखते हैं तो माध्यमिक शिक्षक मंडल द्वारा आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बेहद काफी निराशाजनक रहा है। जिले से काफी समय के बाद कोई भी छात्र प्रदेश की मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया है। जिले की 85 हाई स्कूल में 24 स्कूल का रिजल्ट 33% से कम रहा है। वहीं हायर सेकेंडरी में 7 स्कूल शामिल हैं, हाई स्कूल कि सभी विद्यार्थी फेल हो गए हैं। स्कूल का रिजल्ट शून्य रहा। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट कैसा रहा। रिजल्ट बिगड़ने के छात्रों के पालकों भी काफी आक्रोश में है। बोर्ड परीक्षा 10वीं में रिजल्ट 54% और 12वीं का रिजल्ट 71% आया। 10वीं का रिजल्ट तो तमाम प्रयासों के बाद भी बेहद निराशाजनक रहा। इसमें जिले के टॉप सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके, जबकि जिला पंचायत सीईओ रोहित सोनियान के द्वारा लगातार प्रदर्शन सुधारने के लिए प्रयास किया गया। एक्स्ट्रा क्लासेस मॉनिटरिंग भी की गई, लेकिन रिजल्ट नहीं सुधरा, बल्कि रिजल्ट और पिछले साल की अपेक्षा कम रहा। पारिवारिक कारण से बच्चे ज़्यादा फेल हुए। यहाँ पर 12वीं में 12 स्कूलों का रिजल्ट प्रथम श्रेणी से भी कम। 10वीं में किसी भी स्कूल का 100% रिजल्ट नहीं। कई प्राचार्यों के रिश्तेदार, ज़्यादातर अतिथि शिक्षक, यहाँ पर आप देखें तो इस संबंध में स्कूल के शिक्षकों से बात की गई है। ज़्यादातर ने कहा कि अतिथि शिक्षकों के कारण ही जिले के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बिगड़ रहा है। कई स्कूलों के प्राचार्य के बिना योग्यता के अपनी मनमर्जी से अपने रिश्तेदारों को अतिथि शिक्षक बना दिया। इसके साथ ही स्कूलों की मॉनिटरिंग भी नहीं की जा रही है, जिससे रिजल्ट बिगड़ रहा है। अब देखना होगा कि कलेक्टर इस कितना सुधार पाते हैं। कुल मिलाकर यहां पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि अपने ही रिश्तेदारों को रख लिया जाता है, उनकी योग्यता भी चेक नहीं की जाती, जिसका असर रिजल्ट पर पड़ रहा है। यहां पर आप देखेंगे अतिथि शिक्षकों के कारण रिजल्ट पिछड़ा। इस बार चुनावी ड्यूटी परीक्षा जल्दी होने और अतिथि शिक्षकों के कारण रिजल्ट बिगड़ा है। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो डीओ हैं उनका ये वक्तव्य है। दोस्तों, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो रिजल्ट खराब हुआ है, वो सीधा एक संकेत यहाँ पर किया जा रहा है कि अतिथि शिक्षकों के कारण ऐसा हुआ है। इस विषय में दोस्तों आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप वाकई में अतिथि शिक्षकों के कारण ये रिजल्ट खराब हुआ है, या फिर जो नई शिक्षा नीति है जिसमें कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर टीचरों की भर्ती की जाए और जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें कम से कम रखा जाए, जिससे कि जो फाइट करके एग्जाम आते हैं और अपनी योग्यता साबित करते हैं वो बच्चों को अध्यापन कराएं, तो ये जो स्थिति है वो आगे देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, तो इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ये वीडियो सूचना महत्व था, आपने से देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।